आपके साथ भी शेयर करूँ, शायद आपने इस तरह का ना बनाया हो। ये देखें, ये मैंने चिकन डाला है और ये ऑयल डाला है और इसके अंदर ये मैंने डाल दिया, ये लहसुन डाल दिया। ऐसे इसको इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद ये डालूंगी मैं दाल, ये जो पकाते हैं दाल गोश्त, जैसे दाल चिकन वो जैसे जिसको ऊपर से तड़का लगाते हैं, मैं ऐसे बनाती हूँ। बना के देखना, बहुत मज़े की बनेगी। मैंने कहा चलो आज बना रही हूँ, आपको दिखा दूँ, शायद इस तरह आपने ना बनाइए। देखो लहसुन भी अंदर अभी कच्चा है, ये देखें फ्राई कर लेंगे लहसुन के अंदर ये चिकन को। और ये मैंने चावल चढ़ाए हैं, आज शुक्र है अपू सो रहा है, अपू की तबीयत ठीक नहीं है, ये चावलों को मैंने दम लगा दिया। ये मैंने लहसुन रखा हुआ है, ये जो ऊपर से मैं तड़का लगाऊंगी, और ये इतना सा लहसुन मैंने इसके अंदर भी डालना है। ये देखिए ये फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा चिकन फ्राई हो चुका है तकरीबन। अब इसमें ये बड़ी इलायची डाल दूँगी और साथ ही ये मैं हल्दी डाल लूँगी इसके अंदर। खुश हो रहा है, देखो कि तबीयत ठीक नहीं है। और कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो मेरा जो कंप्यूटर उसका सीपीयू ख़राब हुआ था। मैंने कहा चलो आज मैं खाना बना रही हूँ, वही आपको दिखा दूँ। ऐसे ज़्यादातर मेरी वीडियो खाने वाली होती हैं और शायद इस तरह आपने ना बनाया हो, और इसी के अंदर मैं मिर्चें डाल दूँ। इसमें प्याज नहीं डाला, ये लहसुन है और चिकन और मिर्चें बड़ी इलायची। अब इसके अंदर मैं ये वाली दाल शामिल कर दूँगी, ये मैंने इसमें सारा कुछ डाल दिया और दाल भी डाल दी है। ये देखें फ्राई कर लिया इसको, अब इसमें पानी डाल के इसको कुकर लगा देंगे। और सुनाएं कैसे हैं आप, मेरी वीडियो देखा करें और मुझे बताया करें बातें, आप लोग कैसे हैं। आपसे बातें करूं मैं, अक्कू से बातें करती रहती हूं और अक्कू आज सो रहा है, अक्कू की बहुत सहती बहुत तबीयत ख़राब है। और लाजमी मेरी वीडियो देखा करें, कमेंट में बताया करें। और इस तरह की दाल शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी क्योंकि ये मैं ही बनाती हूँ। ये मैंने इस पर कुकर लगा दिया है, अब आपको दिखाती हूँ अक्कू सो रहा है। ये देखिए कैसे मज़े से सो रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं, जब जागता होता है तो ये रोता ही रहता है अभी मैंने इसको दवाई वगैरह दी है, इसको सुला दिया जो है ये सो रहा है, तो मैं खाना बना रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें जी अक्कू उठ गया और अक्कू चावल खा रहा है, और उधर हमारी दाल पक रही है, कुकर की आवाज़ आ रही होगी। अभी आपको पका के दिखाते हैं इस तरह दाल जो बनाते हैं वो कितनी मज़े की बनती है और कितनी अच्छी शक्ल होती है। ये अक्कू उठ गया और चावल मैंने पहले बना लिए, तो मैंने कहा चलो अक्कू को पहले चावल खिला दो कहाँ कि अक्कू रोए नहीं। बहरहाल आजकल अक्कू बहुत रोता है, ये ठीक नहीं है ना, ओ बुरी बात, गंदा बच्चा। अक्कू जी टाटा कर दो, अक्कू जी टाटा कर दो यार टाटा। अच्छा चलो अक्कू पानी पिएगा, ये अक्कू ठीक नहीं है, गर्मी बहुत है, अक्कू को मैं ग्लूकोज वाला पानी पिला रही हूँ, इसमें ग्लूकोज डालना है। अक्कू जी ये पियो, ये इसमें ये इसको खाना खिला लेते हैं अक्कू को, तो फिर खाना देख लेते हैं। नहीं अक्कू कह रहा नहीं पीना, ये पानी वैसे पी लेता है ज़्यादा, ग्लूकोज डाला हो तो ये पानी नहीं पीता अक्कू, इसके हाथ पाँव इतने जलते हैं ना, इसलिए मैंने कहा ग्लूकोज पिए, ये पीता ही नहीं है, इसको जायका चेंज हुआ पता चल जाता है ना। चलें जी अक्कू को खाना खिला लेते हैं, फिर खाने को देखते हैं। ये देखें जी खाना हमारा बन गया, अक्कू ने खाना खा लिया और खाना बन गया। अक्कू जी टाटा करो, अक्कू जी टाटा करो टाटा। अक्कू जी जो है ना
अच्छा अक्कू से बाद में बात करेंगे। ये देखें जी, ये चावल बनाए थे, ये टोटा चावल मैंने बनाए थे, ये देखें कैसे ये खिले खिले, ये मैंने आपको दिखाए थे, ये मैंने पहले ही बना लिए। अच्छा जी, आज मैंने आपको दिखानी थी ये दाल, ये देखें दाल मैंने आपको दिखाई थी ऊपर रखते हुए। ये ऐसे हलीम भी बन जाती है, देखें अगर जल्दी हलीम बनानी है सिर्फ दाल माश ले लो, दाल मूंग की ले लो, उसको थोड़ी देर भगो के रख दो और चिकन इस तरह भून के और इसके अंदर ये डाल दो। ये देखें ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हलीम बन गई, ये दो ही दालों से हलीम बन सकती है। और ऊपर से मैंने बाद में तड़का लगाया है प्याज का और टमाटर डाला था और ये सब्ज़ मिर्च डाली, ज़ीरा डाला है और ये जो बारीक बारीक नज़र आ रहा है ये पुदीना है, ये मैंने पुदीना डाला था। पुदीना आप भी खाया करें, पुदीना घर में लाएं उसको सुखा के रखें, खाने के ऊपर डालें, इससे गैस नहीं बनती पेट में, जिनको चावल खाने से या दाल खाने कुछ खाने से गैस बन जाती है। ये मैंने सारा ये पुदीना डाला है, मुझे धनिया तो मिला नहीं, आज जुमा था मैं लेट हो गई और वो दुकान वाले चले गए जुमा पढ़ने। और ये देखें ये हलीम है, ये इतनी मज़े की दाल बनती है और इतनी जल्दी तैयार होती है, हलीम पे तो थोड़ा टाइम लगता है ना, और ये बहुत जल्दी दाल तैयार होती है। और ये मैंने चावल बना लिए थे आज जल्दी जल्दी, सुबह 4 बजे उठ गई थी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद मैंने थोड़ी देर नाश्ता किया, सो गई हूँ, तो बाद में उठी हूँ, नफल पढ़े, नफल पढ़ के मैंने दुआ की, अब खाना बनाया तो अभी नमाज़ पढ़ूँगी। और ये देखें ये कितनी मज़े की लग रही है, ये ऐसे हलीम भी बन जाती है, ये पीस गोश के भी होते हैं, अगर बारीक करने हैं तो इसमें वो मदानी सी जो होती है लस्सी वाली उससे कर लेंगे। देखें ये इतनी मज़े की लगती है और बहुत मज़े का ये खाना बन जाता है। ये देखें ये थी जी आज तक की मेरी वीडियो, मैंने दाल ये मैंने कभी नहीं किसी को बनाते हुए देखा, इसलिए मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। अक्कू जी, अक्कू इधर देखो, अक्कू टाटा करो टाटा, ये देखो ये अक्कू को इतना गुस्सा आया, उसने मुझे चम्मच मारा, ये देखो कितना छोटा सा भी है, ये 10 माह का हो गया, बल्कि 11वें में लगने वाला है, तो ये देखो अभी से मुझे ये चम्मच मार रहा है, इसने सारे चावल खिला दिए। और जी ये बहुत मज़े के बने हैं, ये मैं खा रही हूँ, ये उतना मज़े कैसे हलीम का टेस्ट आ रहा है, सिर्फ दो दालों से ये देख सकते हैं आप, ये देखें हलीम बन गई, दो दालें हैं चिकन है। और अक्कू तो टाटा नहीं करता, अक्कू ने मुझे चम्मच मारा, ये देखें कैसे आप बैठा हुआ मुझे चम्मच मार के, अक्कू जी टाटा करें, नहीं अक्कू नहीं बात करता। ठीक है जी, आज की मेरी वीडियो यहाँ तक, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, सांसों ने वफा की, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अक्कू जी अल्लाह हाफिज़ कर दो ना, टाटा कर दो, इसने फिर चम्मच पकड़ा हुआ, ये मुझे मारेगा, मैं नहीं इसको कहती। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।